क्या आप जानते हैं जब एक शिप पुराना हो जाता है और चलने लायक नहीं बचता तो ऐसे में इसका क्या किया जाता है? क्या इतने बड़े शिप को कबाड़ में बेच दिया जाता है या फिर ऐसे किनारों पर पड़े रहते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले के टाइम पर अगर जहाज ज्यादा पुराना हो जाता था तो उसके काम करने वाले जरूरी पार्ट्स को निकाल लिया जाता था और बाकी के बेकार जहाज को पानी में डुबा दिया जाता था, जिससे समुद्र में रहने वाले जीवों का घर बन सके। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि समुद्री जहाजों के पार्ट्स को अलग अलग करना काफी खतरनाक काम होता है। इसमें वर्कर के हाथ पैर कटने का भी डर रहता है और जहाजों का कचरा काफी जहरीला भी होता है। लेकिन पूरी दुनिया में इनको रिसाइकल करने का काम भारत में किया जा रहा है और गुजरात के भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें दुनिया के 80% क्रूज शिप और कंटेनर शिप रिसाइकल होने के लिए आते हैं।